सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो जो रोज कमा के खाने वाले हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद करे, यह मांग लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन की आईटक की थी, और जिसके चलते रिक्शा वाले, फेरी वाले, बांधकाम मजदूर और घरेलू कामगार को 1500 रुपया दिया जाएगा, ऐसा ऐलान 13 अप्रैल को हुआ। आज 15 से 20 दिन हो गए फिर भी अभी तक कुछ मदद नहीं मिली, लेकिन आज पहली बार आरटीओ विभाग से इसकी पुष्टि हुई और उन्होंने यह कहा कि सभी रिक्शा वाले जिनके पास परमिट है, ऐसे सभी रिक्शा वाले अपना मोबाइल, आधार और बैंक अकाउंट को एक दूसरे से लिंक करें, और इसके बाद जो आरटीओ की जो वेबसाइट है www.transport.maharashtra.gov.in, इस वेबसाइट पर 15-20 दिनों के बाद एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया जाएगा। उसके बाद उससे पहले तब तक आप सभी रिक्शा वाले अपना मोबाइल, आधार और बैंक अकाउंट एक दूसरे से लिंक कीजिए, ऐसा उन्होंने अपील किया है। हमारी आरटीओ विभाग से ये गुजारिश है कि पूरा बाजार बंद है और आधार लिंक करने के लिए अगर उसको रिक्शा वालों को पैसा खर्च करना पड़ा, तो जब आमदनी नहीं है तब इस लिंक करने के लिए पैसा रिक्शा वाला कहाँ से खर्च करे। इसलिए हमारी लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन की यह मांग है कि आधार लिंक करने की व्यवस्था आरटीओ विभाग करें, और सभी रिक्शा वालों से गुजारिश है कि अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन उन्हें पूरी मदद करेगी। आज इस लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना के समय में लाल बावटा रिक्शा यूनियन आप सभी के साथ है, और आरटीओ विभाग से भी हमारी गुजारिश है कि इस समय में ये लिंक करने के लिए ये पूरी से पूरी मदद करें, और जल्द से जल्द ये जो 1500 रुपये उन्होंने ऐलान किया है वो सभी रिक्शा वालों के खाते में पहुंचने चाहिए। इतना ही नहीं, जिनका परमिट नहीं है उनको भी ये पैसे मिलने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल, लाल बावटा रिक्शा चालक यूनियन का सेक्रेटरी।